यूक्रेन से लौटे आसिफ ने कहा, अपने वतन पहुंचकर मिला सुकून, एक पल लगा कि कभी घर नहीं पहुंच पाएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज़ाद सिपाही और मैं हूं चंद्र प्रकाश। यूक्रेन में MBBS की पढ़ाई करने वाले सुदमा के आसिफ अनवर घर वापस लौट आए हैं। आसिफ 2 मार्च को दिल्ली पहुंचे थे। युद्ध के बीच वहां से आए आसिफ कहते हैं कि अपने देश पहुंचकर सुकून मिला, अब अपने दोस्तों की सलामती की दुआ मांग रहे हैं। आसिफ ने 24 फरवरी को युद्ध शुरू होने से लेकर 1 मार्च तक के अनुभव को काफ़ी भयावह बताया। उन्होंने कहा कि कई बार ऐसा लगा कि अब घर कभी नहीं पहुंच पाएंगे, यहीं जिंदगी समाप्त हो जाएगी। यूक्रेन से रोमानिया में प्रवेश करने तक का सफ़र मानसिक रूप से तोड़ कर रख देने वाला वक्त था। रोमानिया में जब भारत आने के लिए फ्लाइट में बैठ गए तब घर पहुंच जाने का विश्वास हुआ। युद्ध शुरू होने के दिन से ही खौफ के साए में जीवन बीत रहा था। उनके हॉस्टल में रहने वालों के लिए न्यूक्लियर बंकर मुहैया कराया गया था। रात में सायरन बजा और बंकर में छिपना पड़ा। कमरे में लाइट जलाना मना था, टॉर्च की लाइट में खाना बनाया। आसिफ ने बताया कि 27 फरवरी को प्रतिकूल मौसम में रोमानिया बॉर्डर पहुंचे तो वहां का मंजर और भी भयावह था। हजारों की भीड़ और भगदड़ की स्थिति में बॉर्डर पार करना भी एक युद्ध लड़ने जैसा ही था। भीड़ ऐसी थी कि शारीरिक रूप से कमजोर लड़के लड़कियां पैरों तले कुचले जा रहे थे। कई स्टूडेंट के कागजात गुम हो जा रहे हैं। बॉर्डर पार करने के लिए शारीरिक तौर पर मजबूत होना जरूरी था। 28 फरवरी को बॉर्डर पार कर रोमानिया पहुंचे, जबकि उनके साथ बॉर्डर पर पहुंचे दोस्त 4 दिन के बाद रोमानिया में एंट्री कर पाए। रोमानिया में सबका ख्याल रखा जा रहा था, लेकिन घर लौटने वाले स्टूडेंट ज्यादा और फ्लाइट में सीट कम था। इस स्थिति में भी छात्रों का मनोबल टूट रहा था। जिसे फ्लाइट में जल्द जगह मिल जा रही थी वह खुशकिस्मत था। उन्होंने बताया कि यूक्रेन सरकार ने हम लोगों को हंगरी देश के बॉर्डर तक जाने में ट्रेन एवं बस की व्यवस्था की थी, जिसमें किसी भी प्रकार की कोई राशि नहीं ली जा रही थी। ट्रेन में खाना की व्यवस्था यूक्रेन सरकार के द्वारा की गई थी। ज़ेपोरोजिया सिटी स्थित हॉस्टल से स्वदेश लौटने के लिए 27 फरवरी को निकला। ज़ेपोरोजिया रेलवे स्टेशन पर ट्रेन पकड़ी। ट्रेन में 22 घंटे के सफर के बाद यूक्रेन स्थित लवीव 28 फरवरी को लगभग 4 बजे पहुंचे। लवीव से हंगरी बॉर्डर तक जाने के लिए यूक्रेन सरकार ने बस की व्यवस्था की थी। लगभग 7 घंटे के सफर के बाद हंगरी बॉर्डर स्थित चौक पहुंचा। हम लोगों ने 1,000 रुपये प्रति छात्र को देकर बॉर्डर पार किया। यहां पर इंडियन एजेंसी से मुलाकात हुई। इसके बाद रात भर रुकने के बाद सुबह में दिल्ली के लिए रवाना हो गया। अब आसिफ को आगे की पढ़ाई की चिंता सता रही है। अभी की खबरों में बस इतना ही। आज़ाद सिपाही से जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।